हिमाचल प्रदेश के कसौली में असिस्टेंट टाउन प्लानर शैल बाला शर्मा की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। हिमाचल और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साझा ऑपरेशन में आरोपी विजय ठाकुर को यूपी के वृंदावन से गिरफ्तार किया। वृंदावन में विजय ठाकुर अपना हुलिया बदल कर रह रहा था, इसकी वजह से पुलिस को उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई। हालांकि सोलन में एक ही शख्स को फोन करने के उसके कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को सुराग मिला और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। बुधवार को जब प्रशासन की टीम कसौली में विजय ठाकुर के अवैध गेस्ट हाउस को तोड़ने गई थी तो उसने फायरिंग कर दी, जिसमें शैल बाला शर्मा की मौत हो गई जबकि एक कर्मचारी घायल हो गया। शैल बाला शर्मा की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार से 9 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि पहले प्रशासन अवैध निर्माण होने देता है, फिर बाद में जब कार्रवाई होती है तो लोग परेशान होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।